तो फ्रेंड्स आज हम टेस्टिंग करने वाले हैं, ये म्यूर है, ये कोक है, कोक वर्सेस म्यूर, इन दोनों की टेस्टिंग करने वाले हैं। ये सारे बम टेस्टिंग करने वाले हैं। ये बुलेट बम, मोस्टली बुलेट बम है, ये एक क्लासिक बम है। अगर बम की बात किया है तो कोक ब्रांड में जो जो बम आते हैं वो तीन आते हैं, मिनी बुलेट, बुलेट और ये हाइड्रो, ठीक है। अगर म्यूर बात की बात करते हैं, इसमें बुलेट कौन कौन से आते हैं, ये बुलेट स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये सबसे बड़ा बुलेट म्यूर में आता है। तो चलो टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, टेस्टिंग के लिए बहुत कमेंट आ रहे थे, टेस्टिंग स्टार्ट करो। अब वन बाय वन ब्रांड की टेस्टिंग होगी, ब्रांड के साथ साथ क्रैकर भी चेंज होते रहेंगे, जैसे कि ये बुलेट बम है, सुतली बम आ जाएगा, उसके बाद हमारा स्काई शॉट आ जाएगा, रॉकेट आ जाएगा, ग्राउंड चक्कर आ जाएगा, ये सारे टेस्टिंग होने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चलो जल्दी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राइस के बारे में बता दूं, ये 20 रुपये से स्टार्ट होती है, जो कॉमन मिलती है। कोक प्राइस MRP पे मिलते हैं, जो 50%, 10%, 15% जो डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और ये म्यूर का भी सिस्टम कुछ ऐसा रहता है, 60%, 70% डिस्काउंट आपको मिल जाता है, 50% भी मिल जाता है, 70% भी मिल जाता है, डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ मिलता है। एस्टिमेट मैं तुक्का सा दे देता हूँ, 20 रुपये, 40-30 रुपये या 50 रुपये के आसपास, 70-80 रुपये, ये 100 रुपये के आसपास होगा। बड़ा बुलेट है, सबसे बड़ा बुलेट है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, ये बुलेट बड़ा बुलेट है, मैंने गलती से चेंज कर दिया, ये बड़ा बुलेट है। चलो अब इनकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। कोक ब्रांड की ब्रांडिंग आपको दिखा देता हूँ जल्दी से जल्दी। ए हे, इसका MRP इधर है, ठीक है, दिख नहीं रहा, हाँ 78, ठीक है। उसका ये वाला बुलेट आ गया 105 रुपये, उसका ये वाला बुलेट आ गया, ओए हाइड्रो आ गया, 176। तो चलो अब इसकी टेस्टिंग करते हैं, साउंड आपको एकदम जबरदस्त वाला मिलना है। चलो जल्दी जल्दी स्टार्टिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, मेहनत काफ़ी लगती है, रिस्क भी काफ़ी होता है घर में चलाना। तो बुलेट चलाते समय हमेशा इसको ऐसे करके खड़ा करके चलाना है, लिटा के नहीं चलाना, लिटा के किसी के भी चोट लग जाती है। तो चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट। तो फ्रेंड्स टेस्टिंग करने के लिए तैयार हैं, आप आ गए बाहर, सारी टेस्टिंग आपको बम दिखा दिए, इसकी टेस्टिंग करने के लिए तैयार है बुलेट बम की टेस्टिंग, मज़ा आने वाला है। कोक ब्रांड के ये तीन डब्बे हैं, ये सारे म्यूर के हैं। हम स्टार्टिंग करेंगे छोटे इससे, इसके साथ किसी का कंपैरिजन नहीं है क्योंकि ये तो सदा बाहर है, बच्चे बहुत चलाते हैं, उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और हाँ स्विमिंग बाय मनी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वहाँ जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पे 500 फॉलोवर हो रखे हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया है शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद वहाँ जाके सपोर्ट करने के लिए। तो चलो टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम उठाते हैं इसको, इसको टेस्टिंग करेंगे। चलो इसको रखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे रखते हैं ऐसे कुछ। देखो बम रखते समय ये चीज़ों का ध्यान रखना कि ये पट्टे इसके पास ना हो, क्योंकि जब ये फटते हैं हमारे पास कुछ फर्श आ जाए, जैसे कि ये वाला फर्श है, यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स एंगल यही रहेगा, अब हम टेस्टिंग करने के लिए तैयार हैं, तो बुलेट बम को आग लगाने के लिए तैयार, लगी बुलेट बम को आग। हेलो हेलो, बुझ गई, इसका फ्यूज ही बड़ा लंबा है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है धमाका देखा कितना जबरदस्त था, आग लगा के भी आपको खूब सारा टाइम मिलेगा। अब ये हो गया, अब म्यूर कंपनी का ये वाला, ठीक है। चलो मजा आ गया, वैसे मुझे देखो मजा आ गया, आपको मजा आया तो लाइक कर देना। चलो अब इसकी बारी, ये अगर उसने ये किया तो ये क्या करेगा, ओ लग गया, ओ भाई चेक कर सकते हो साउंड कितना जबरदस्त है, मस्त मजा आ रहा है। अभी ये चलाया, अब कोक ब्रांड का मिनी बुलेट, मिनी बुलेट आया, अब कोक ब्रांड का मिनी बुलेट देखते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मिनी बुलेट म्यूर का जो 20 रुपये वाला डब्बा है वो आपने वो चलाया था, तो उसके साथ से इसका कंपैरिजन बनता है, आप अपने आप जज करना कौन सा ब्रांड सही है। अनार बम भाई, ओए 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 ओए, एक से एक निकलता हुआ बम। अब अगले बम की बारी, देखो इसके साथ ये किया बढ़िया साउंड, उसके बाद इसकी बारी म्यूर बम की, बुलेट बम जहर करते हुए, म्यूर बम, अनार बम चलेगा पहले, ओए यार। तो फ्रेंड्स मजा आ गया मजा, तो ये देखो ये है, ये जो बुलेट होती है ना इसका ये वाला पार्ट लगता है ना,
बहुत ज़्यादा पावर से लगता है, याद रखना बहुत ज़्यादा हद वाली पावर से लगता है, कि इतना ज़्यादा लगता है कि कई बेले तो बंदा बेहोश हो जाता है जब ये गोली लगती है। तो इसीलिए बोलता है खड़ा करके चलाओ ताकि ये किसी को डैमेज ना करे, बुलेट बम खड़ा सबसे सेफ है। चलो अब अगले बुलेट पे चलते हैं जल्दी जल्दी से। तो अभी था म्यूर बम का ये वाला, ठीक है अब ये वाला टेस्ट करेंगे कॉक ब्रांड का। मुझे ना एक्चुअल में मैं बताऊँ, मुझे ये वाली बत्ती जो फ्यूज़ है ना एक नंबर पसंद नहीं है, एक नंबर भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसको आग लगने के लिए बहुत टाइम लगता है। पहले ये ऊपर वाला प्लास्टिक जलता है फिर इसको आग लगता है। चलो फिलहाल आपके लिए कुछ भी आग लगाएं जल्दी जल्दी से बुलेट को। हाँ वो जल रही है, ये देखो आग फ्यूज़ दिख रहा है, ऐसे नहीं स्वाद तो आना चाहिए फ्यूज़ आग लगी हुई को। वैसे इनके म्यूर कोक ब्रांड के सारे अनार वाले बम होते हैं, अब ये देखते हैं कैसे जलता है। वो लग गया आग, अनार तो इसमें भी जला खैर, पर अब लास्ट में आता है, ये सारे बम की टेस्टिंग होगी, अब लास्ट में हमारा ये वाला रह गया, ये वाला क्लासिक बम। जो इसका साउंड होता है ना वो डिफरेंट टाइप का होता है, इसको आप जैसे मर्जी चलाओ, हाथ के अलावा, हाथ में कभी नहीं चलाना, ठीक है कभी भी नहीं चलाना, फुकरी मारने के लिए भी नहीं चलाना, क्योंकि अगर ये हाथ में फटते हैं ना क्रैकर, कोई भी अपनी बॉडी से दूरी रखो भाई। कई फुकरी फुकरी में अनार भी चलाते हैं हाथ में, बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि पटाखे का कुछ भरोसा नहीं होता कब कहाँ कैसे फट जाए। और अब की इसकी मैंने पूरी फ्यूज़ छील रही है, कारण क्या है मुझे लगता है डर, हम रखते हैं सेफ, ठीक है ऐसे नहीं, ऐसे मरने से डर नहीं लगता। चलो लास्ट बॉम्ब है, उसके बाद हम अपना ओपिनियन देंगे, आप अपना ओपिनियन देना कमेंट करके। ये हो गया, ओए होए 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 जहर वाला, इसका फ्यूज़ देखो कितना बड़ा, बढ़िया है। चलो आग लगाते हैं, फिलहाल इसके फ्यूज़ को पकड़ के आग लगाएंगे, कैसे आग लगाएंगे यार, ऐसे ऐसे तो धोखा होता जाएगा। ये ना आग लगी है, भाग जाओ। ओए होए होए होए, यस फाइनली हुआ टेस्ट, नाम निशान किसी चीज़ का नहीं है। तो कमेंट देना ये चले आपको इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट लगा, ठीक है। अगर देखा जाए इसका साउंड थोड़ा मतलब कि अलग टाइप का होता है, इनका साउंड अलग टाइप का होता है, ठीक है। और फाइनली मज़ा आ गया मुझे टेस्टिंग करके, आपको मज़ा आया तो लाइक करना है। ये दिन में मैं शूट कर रहा हूँ, रीज़न क्या है, कोशिश करूँगा कि अब इस चैनल पर तीन तीन वीडियो आ जाए, जब तक मैं बिजी हूँ तब तक, उसके बाद दो वीडियो तो आएगी, उसके बाद एक वीडियो आएगी। तो फिलहाल एंड करते हैं वीडियो का, और रेट लिस्ट बता देते हैं, 100 रुपये से स्टार्ट लगा लो, 100-120 तक एंड है, उसके बाद क्या ही बुलेट आएंगे, क्या ही क्लासिक आएंगे। बाकी अब जो आता है हरे वाला आता है सुतली बम, क्लासिक बम जिसको कहते हैं, वो भी ऐसे ही बसता है, बस उसका साउंड थोड़ा बड़ा हो जाता है और देखने में थोड़ा और अच्छा लगता है। तो बस चलो वीडियो एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर। फ्रेंड्स फाइनली कैसी लगी ये वीडियो, मज़ा आ गया मुझे, मैं खुले में देखो खुले में टेस्ट कर रहा हूँ, खुले में एकदम खुले में। तो टेस्टिंग मैंने रात को भी करनी है, अब कोशिश ये करूँगा कि दिवाली पास में आ रही है उससे पहले पहले आपको एक दिन में हो सकेगा तीन तीन वीडियो मिल जाएगी। और आपको कौन सा बम अच्छा लगा ये कमेंट करके बताना। ये बम रात को भी चिखर अच्छे लगते हैं, पर दिन में भी ये इजीली शूट हो जाता है। तो फाइनली आते हैं काम की बात पे, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, स्विमी बाय मनी जो इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ जाके फॉलो कर देना। जो बंदे क्रिप्टो करेंसी में जैसे बिटकॉइन एथेरियम डोज खरीदना चाहते हैं, जिनको नहीं पता हम बिटकॉइन कैसे इन्वेस्ट करें उसमें, तो वज़ीर एक्स एप्लीकेशन सबसे बेस्ट है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद साइनअप करो, साइनअप क्लिक करो तो मेल आईडी आएगी, वहाँ पे मेल आईडी डालना जो आपके पर्सनल है, उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड फिर आएगा रेफर कोड, वहाँ पे क्लिक करोगे रेफर कोड जहाँ लिखा होगा वहाँ पे आप डाल सकते हो 686YNTH, क्योंकि जो कि इधर उधर पॉपअप भी हो रहा होगा। उसको करने के बाद आपको मेल पे आएगा, ज़ीरोक्स की तरफ से मेल आएगा, उसको वेरीफाई कन्फर्म करना है, 15 मिनट के अंदर अंदर करना है याद रखना। और उसके बाद आपको फ़ोन नंबर डालना है, फिर आपको फ़ोन नंबर जो OTP आएगा वेरीफाई करके, आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड करना है, फिर UPI वेरीफाई करके आप पैसे ऐड करके खरीद सकते हो कॉइन। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, इसी तरह बाइक को सपोर्ट करते रहे, बाकी गलती गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। तो बाय, थैंक यू।